और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रुक करेंगे बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है जहां पर प्रशासन और परिजनों में बात बन गई है। छात्र की मौत मामले में गतिरोध खत्म हो गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई। मुआवजा देने की मांग पर सहमति बनी है। सहमति के बाद अब छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त XCN और सभापति को नामजद किया जाएगा। नगर परिषद के XCN को सस्पेंड भी किया गया है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कल कमेटी तय करेगी काम का पूरा होने का टाइमलाइन। तो टाइमलाइन कल तय कर लिया जाएगा कि कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जांच टीम गठित कर ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब गहनता से जांच की जाएगी। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रशासन की लापरवाही से 12वीं के छात्र की मौत हो गई। कल रात यह हादसा हुआ और आज लगातार इसे लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिला। परिजन प्रदर्शन करते नजर आए। लगातार समझाइश का दौर जारी था और इस बीच अब सहमति बनने की खबर भी मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे हादसे अब दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी घटना नहीं होगी अगर सही तरीके से जांच नहीं की गई तो। कंप्लीट हो, इस प्रकार की घटनाएं रिपीट नहीं हो, इन मुद्दों पे भी चर्चा हुई और वैसे भी प्रशासन का दायित्व बनता है, हम कर भी रहे। और साथ ही इसके अलावा जो पिता है मतलब बच्चे के, उनकी तरफ से FIR आई थी, उस FIR को भी हमने दर्ज किया है। उसके बाद में भी एक डॉक्यूमेंट उन्होंने और दिया कि इस प्रकार से इसको शामिल फाइल किया जाए, तो उसको भी शामिल पत्रावली FIR में किया जा रहा है। और साथ ही जो नियमानुसार जो भुगतान की या मुआवजे का इशू है वो भी जो प्रशासन से बंद पड़ेगा, जो भी नियमानुसार भुगतान होगा या मुआवजा होगा उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सकारात्मक वार्ता हुई है और वार्ता सफल रही है। जो हमारी मांगे थी उनको लगभग प्रशासन ने पूरी करने पर सहमति प्रदान की है। जो मुकदमा हमने करवाया था उसमें नाम दर्ज नहीं था, तो एडिशन साहब और ADM साहब ने ये कहा है और फाइल पर पुटअप लेकर उसको नाम दर्ज मुकदमा कर लिया गया है। दूसरा था जो प्रथम दृष्टया जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो एक्शन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, तत्काल सस्पेंड कर दिया है एक्शन साहब को। और इसके बाद में जो मुआवजे की बात थी वो कंपनसेशन की, परिजनों और इनके बीच में जो सहमति बनी है उससे जो हम प्रतिनिधि गए थे वो सब सहमत हैं। और अब बात झुंझुनू की, जहां सीकर हादसे के बाद नवलगढ़ नगर पालिका प्रशासन को भी सचेत होने की जरूरत है। दरअसल नवलगढ़ में भी कई इलाकों में जलभराव है। सीवरेज के चैम्बर भी खुले पड़े हैं। खुले पड़े सीवरेज के चैम्बर से हादसे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के समय इन खुले चैम्बर से हादसे हो सकते थे। साथ ही नगर पालिका से खुले चैम्बर्स को ढकवाने की मांग भी की जा रही है। और जयपुर के